हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय व्लॉग चैनल एक्चुअली। और आज सैटरडे नाइट है और मैं यहाँ बैठी हूँ अपने क्यूटी पाइस के साथ, क्योंकि मुस्तफा को स्कूल से एक टास्क मिला है, एक बुकलेट बनानी है, मतलब एक छोटी सी बुक बनानी है जिसमें उसे ऐसे ऑब्जेक्ट या तो ड्रॉ करने हैं या किसी भी क्रिएटिविटी स्टाइल में वो बनाए जो स्टार्ट होते हो एम से। जी हाँ, एक ऐसी बुकलेट बनाने के लिए मिली है जिसमें हमें सारे ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं जो कि एम से स्टार्ट होते हैं। तो मेरा हमेशा से ये टास्क रहता है कि जब भी ऐसा कोई टास्क मिले स्कूल की तरफ से तो वो मुस्तफा परफॉर्म करे, ताकि मुस्तफा सीख भी जाए। और लॉजिकली ठीक बात भी यही है कि जो टास्क बच्चे को मिला है वो बच्चा ही डन करे। तो आइए हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि हम एक बुकलेट किस तरीके से बना रहे हैं और बुकलेट बनाते हुए मैं मुस्तफा को किस तरीके से हेल्प आउट करने वाली हूँ। ओके गाइस, बुकलेट बनाने के लिए मैंने जो चीजें अरेंज की हैं वो हैं कंप्यूटर पेपर, डिफरेंट कलर के कंप्यूटर पेपर्स आपको नजर आ रहे होंगे ताकि कलरफुल सी बुकलेट बन सके। इसके अलावा जो मैं इसमें चीजें ड्रॉ करूंगी और जो लाइक ABCD के लेटर्स ड्रॉ करूंगी उसकी स्पेलिंग के लिए, उसके लिए मैंने ये ली हैं दो डिफरेंट कलर की ग्लिटर शीट्स, सिल्वर और गोल्डन। इसके अलावा मैं यूज करूंगी स्टेपलर, ग्लू स्टिक और सीजर। सीजर का यूज मैं करूंगी लेकिन बाकी सारी चीजें में मेरी हेल्प करेंगे मुस्तफा। हमारी बुकलेट का जो साइज होगा वो देखें कि कंप्यूटर पेपर है और मैंने इसे हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद अब मैं इसे कटिंग करूंगी और फिर दोबारा से इसे फोल्ड करूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी बुकलेट का साइज है इतना, बुकलेट है, छोटी बुक बनेगी तो मैंने बुकलेट का साइज इतना रखा है। और अब इसी तरह मैं इन तीनों कंप्यूटर पेपर्स को भी इसी तरीके से कट कर लूंगी और सबका इक्वल बुकलेट का साइज जो है वो रखूंगी। बाय द हेल्प ऑफ ग्लिटर शीट एम को जो है पहले उस पर लिखा और फिर उसको कट किया। और अब मुस्तफा उसको स्टिक करेंगे फर्स्ट पेज पे कि ये बुक लेट है एम। ये आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट पेज पे एम स्टिक कर दिया है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो हमने ड्रॉ किया है वो है मून। हमने इसको सिल्वर ग्लिटर शीट से कट किया है और अब हम इसे अपनी बुकलेट में लगा रहे हैं। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मून। और गाइस आप यहां देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा मैट बनाया है बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर पेपर। जो कंप्यूटर पेपर हमारे कटिंग में बच भी गए थे हमने उसे भी देखे कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है। और हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है मैट। तीसरा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है वो हमने बनाया है माउंटेन, बिल्कुल अच्छा सा शाइनी माउंटेन। और अब वो हम इधर स्टिक कर रहे हैं। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी बुकलेट रेडी हो चुकी है। फर्स्ट पेज पे जो है ये हमारा टाइटल पेज है, देन हमने फर्स्ट पेज पे लगाया है एम, एम के बाद हमारा आ रहा है मून। एक तरफ हमने मून को स्टिक किया, दूसरी तरफ इसकी स्पेलिंग है और फिर बच्चों ने इसे डेकोरेट भी कर लिया ग्लिटर शीट की हेल्प से। उसके बाद अगला ऑब्जेक्ट है हमारा मैट, जहाँ हमने एक मैट बना के लगाया है बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर पेपर और सामने उसकी स्पेलिंग है। मैट के बाद हमने बनाया है माउंटेन, गोल्डन माउंटेन आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद हमने स्टिक किया है यहाँ पे मनी, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है जो कॉटन कैंडी लेकर आते हैं तो उनके पास मनी का एक अच्छा कलेक्शन है और उन्हें मनी की हाव नो भी है, तो एम्फर हमने यहाँ मनी लगाया है। मनी के बाद जो है मुस्तफा का फेवरेट टॉय है मोटा बाइक,
तो हमने यहाँ मोटर बाइक की पिक्चर को स्टिक किया है, सामने उसकी स्पेलिंग है और सबसे लास्ट पेज पे इट्स वेरी अमेजिंग क्योंकि मुस्तफा को जब लेटर की पहचान हुई तो मैंने कहा मम्मी एम फॉर मुस्तफा भी आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मुस्तफा की पिक्चर लगाई है और नीचे मुस्तफा की स्पेलिंग है। सो मेरी बुकलेट यहाँ रेडी हो चुकी है और ये टास्क करने में बहुत मजा आया, मैंने और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लिया। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।